नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, भक्त भक्ति भगवान। आज एक बहुत सुंदर राजा तोंडमान की कथा सुनाता हूं। चंद्रवंश में सुवीर नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। दक्षिण भारत में नारायणपुर में उनकी राजधानी हुआ करती थी। महाराज सुवीर की रानी, जिसका नाम नंदिनी था, उसके गर्भ से एक बालक जन्मा और उसका नाम हुआ तोंडमान। बचपन में लगभग 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक का मन भगवान विष्णु की सेवा में ऐसा रमा कि बस वो परम भक्त हो गया। राजा ने अवस्था आने पे पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उसका विवाह करवा दिया। अनेक स्वयंवरों में अन्य अनेक रानियों ने इन महाराज तोंडमान का वरण किया। सब कुछ इनके पास होते हुए भी अनेक रानियां, राज्य, धन संपत्ति, इनके मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। देखिए, ये जीवन मुक्त का सबसे बड़ा महाराज जनक भी इसी परंपरा के विदेह थे। एक बार की बात है, तोंडमान शिकार के लिए निकले हैं। उस समय की परंपरा हुआ करती थी कि वन में जो हिंसक प्राणी, क्योंकि वन प्रदेश बहुत अधिक हुआ करता था और सामान्य लोगों के रहने का जनस्थान जिसको आप कहें वो थोड़ा सीमित था उस समय, तो हिंसक प्राणियों का वध किया जाता था और इसीलिए ये शिकार की परंपरा। अब ये बात अलग है कि जो हिंसक प्राणियों का शिकार नहीं करते थे वो हिरण का शिकार करके आ जाते थे। एक दिन ये शिकार के लिए निकले वेंकटाचल पर्वत के आसपास पहुंचे हैं और वहां इन्हें एक पंचवर्णी तोता दिखाई देता है, शुक। वो इनको इतना आकर्षित करता है कि किसी भी प्रकार से ये उसको पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। उसके पीछे 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 यहां पे इन्होंने जो बीच में मंदिर आए हैं, जो ऋषियों के आश्रम आए हैं, उनके दर्शन तो किए लेकिन मन उसी सुख में लगा हुआ है। ये उस पर्वत के शिखर पे पहुंच गए जाके। वहां गए तो इन्होंने एक बहुत सुंदर मंदिर वहां देखा। मन में भगवान के दर्शन की कामना हुई, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े इनकी मुलाकात वहां निषाद राज वसु से होती है। इन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आपके चेहरे पे आनंद भी दिख रहा है, व्यग्रता भी दिख रही है, इसका कारण क्या है? तो तोंडमान ने कहा कि आपने बिल्कुल सही पहचाना निषाद राज, यहां पे प्रभु के दर्शन का आनंद है, लेकिन मैं एक शुक के पीछे पीछे यहां आया हूं जो 5 रंग वाला बड़ा ही सुंदर शुक है और वो अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो शुक जब से मैंने देखा है श्रीनिवास 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 का जप कर रहा है। तो वसु हंसते हैं और कहते हैं, राजन, वो तो स्वयं भगवान का शुक है, स्वयं भूदेवी ने उसका लालन पालन किया है, स्वयं श्रीदेवी हमेशा उसको भोजन करवाते हैं, इसलिए आप उसका मोह छोड़ दीजिए। राजा को लगा कि वो शुक मेरा मार्गदर्शन करके मुझे यहां मंदिर तक लेके आया है, मैं धन्य हो गया। उसी समय वसु ने कहा, मेरे दर्शन का समय हो रहा है, आप थोड़ी देर यहां वृक्ष के लिए विश्राम कीजिए, मैं जाकर के और दर्शन करके आता हूं, फिर हम बैठेंगे। राजा तोंडराज ने कहा कि अगर आप जा ही रहे हो ना, तो मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना, मुझे भी तो दर्शन करने हैं, यहां आया हूं तो मैं वृक्ष के नीचे नहीं बैठा रहूंगा। देखिए, भक्तों की तो यही महिमा होती है, उनके लिए ना कोई निषाद राज है ना कुछ है। निषाद राज के साथ जाकर के
वहां नदी में दोनों ने बड़े आनंद से स्नान किया है और स्नान करने के बाद प्रभु के दर्शन किए हैं, अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। तोंडराज आज बहुत ही प्रसन्न है। दो दिन तक वसु नाम के निषाद के यहां रहे हैं और फिर उनसे विदा लेकर के अपने साथियों के साथ अपने राज्य में वापस आते हैं और अपनी सभी रानियों को बिठा करके उस मंदिर के बारे में बताते हैं, उस शुक के बारे में बताते हैं और उन निषाद के यहां जो कुछ सत्संग हुआ था उस सत्संग के बारे में बताते हैं। सभी रानियां कहती हैं, हमारा भी सौभाग्य होता अगर हम आपके साथ चले होते, लेकिन आप तो शिकार पे हमें साथ ले नहीं जाते हैं, आप कभी हमें दर्शन के लिए अवश्य ले जाइएगा। राजा ने कहा कि जब प्रभु की इच्छा होगी जा तो तभी पाएंगे, मुझे क्या पता था, वो तो शुक है, मार्गदर्शक बना तो मैं वहां पहुंच गया उसके पीछे पीछे, भले गए उसके शिकार के लिए थे लेकिन ठीक है। एक दिन की बात है, वो जो निषाद राज वसु है वो आकर के पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत सत्कार किया, भाई दो दिन उनके यहां मेहमानी खा के आए थे। और फिर उनसे पूछा तो निषाद ने कहा कि प्रभु बड़ी विचित्र बात है, आपको विश्वास हो ना हो लेकिन मुझे आज्ञा हुई है इसलिए आपके पास आया हूं। अरे ऐसी कैसी बात है, आप तो हमारे मित्र हैं, कुछ भी कहिए, निश्चिंत होकर के कहिए। तो बोले कल मैं अपने खेतों में जिसका प्रसाद मैं श्रीनिवास जी को लगाता हूं उनके मंदिर में, वहां मैंने देखा एक सफेद कलर का वाराह आ गया है और वो पूरे खेत को उजाड़े दे रहा है। मैंने धनुष बाण उठाया और मैंने उसका पीछा किया, वो भागता हुआ वाराह नदी के किनारे एक बिल के अंदर घुस गया। मैंने भी निश्चय किया कि इसने मेरे सवा के खेत का विनाश कर दिया है, जिसकी प्रसादी मैं प्रभु को रखता हूं उस प्रसादी का इसने अनादर कर दिया है, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया कि जितना अंदर होगा इसको अंदर से ढूंढ के मारना, लेकिन थोड़ा सा बिल खोदा और फिर मैं बेहोश हो गया। उसी समय मेरा पुत्र वहां आकर के पहुंच गया, उसने भगवान का चरणामृत मेरे ऊपर डाला तो मेरी आंखें तो खुल गईं, लेकिन उस वराह ने मेरे शरीर में प्रवेश किया और शरीर में प्रवेश करके उसने ये कहा, जाकर के राजा तोंडमान को ये सूचना दो कि भगवान श्रीनिवास की आज्ञा है, वो यहां अपनी काली गायों को लेके आए और इस विवर के ऊपर उससे दुग्धाभिषेक करें, उसके बाद इस बिल को खुदवाएं, उसके अंदर से एक काले पत्थर की शिला निकलेगी और उस पे वाराह भगवान जिनके वामंग में लक्ष्मी जी विराजमान है इस प्रकार की मूर्ति बनवाएं और फिर उसकी धूमधाम से प्रतिष्ठा करवाएं। महाराज ये आज्ञा हुई है, वो आज्ञा मैंने आपको सुना दी, अब आपको विश्वास हो तो ठीक, अब आप जैसा करना चाहें वैसा करें, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस कार्य को पूर्ण किया जाए। अरे मित्रवर, आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है और आप कह रहे हैं ये तो भगवान श्रीनिवास ने आज्ञा दी है। मंत्रियों को तुरंत ग्वालों को बुलाओ, हमारी गौशाला में जितनी काली गायें हैं सबको लेके चलना है, युद्ध की तरह सारी तैयारियां करवाई गई हैं, रनिवास में गए हैं, रानियों से कहा है, तुम लोगों की बहुत इच्छा थी, आज वो अवसर आ गया है, हम वहीं जा रहे हैं, हम वहां जाकर के भगवान के दर्शन भी करेंगे और इस प्रकार का कार्य करने की आज्ञा हुई है। सारी रानियां धर्मात्मा हैं, सभी बड़ी प्रसन्न हुई हैं, सबने अनुष्ठान करके रात्रि में जब शयन किया है तो राजा को स्वप्न आता है कि उसकी राजधानी से लेकर के और वहां तक के लिए एक विवर का मार्ग बन गया है
और उसमें बाकायदा पर्ण बिछाए हुए हैं। राजा के जाने के लिए इस प्रकार का मार्ग सजाया गया है कि जिससे राजा या रानियों को कोई समस्या ही ना हो। स्वप्न तो स्वप्न होता है, सुबह आंख खुली महाराज परम प्रसन्न है। महाराज ने मंत्रियों से बुला के कहा हमें अवश्य ही इस कार्य को करना है क्योंकि आज मैंने स्वप्न में ऐसा देखा है। तो सभी मंत्री कहते महाराज ये स्वप्न नहीं था, ये तो वास्तविकता है। आप नगर से बाहर निकल के तो देखिए, पूरा मार्ग इसी प्रकार से है जैसा आप वर्णन कर रहे हैं। फिर तो राजा की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा है। राजा तोंडमान अपनी रानियों को लेकर के, काली गायों को लेकर के, कपिला गायों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। बाकायदा वहां दुग्धाभिषेक हुआ है और फिर उस विवर की जब खुदाई हुई है तो उसमें से एक सुंदर शिला निकली है और उस शिला में से बड़ी ही उत्तम मूर्ति बनवा के बड़े धूमधाम से, जैसे हमारे मोदी जी ने राम जन्मभूमि में साउथ से पत्थर मंगवा के और उस पे सुंदर रामचंद्र जी की प्रतिमा का, जो वहां प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव किया, इसी प्रकार से अपनी सभी क्षमताओं के साथ महाराज तोंडमान ने ये प्रतिष्ठा की है। उस मंदिर के आसपास ही नगर बसा करके वहां इन्होंने रहना शुरू कर दिया। एक बार की बात है कि ब्राह्मण उनके यहां के पहुंच जाता है, साथ में ब्राह्मणी है। बोला महाराज बड़ी समस्या है। तोंडमान ने कहा कि आज्ञा करो, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्या सेवा करें। देखिए मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, मेरी पत्नी गर्भवती है, ये चल नहीं सकती है, मेरी तीर्थ यात्रा रुक रही है, अगर आप अपने रनिवास में इसको थोड़ा सा स्थान दे दें। राजा ने कहा ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊं। रानियों के अंतापुर के अंदर एक एकांत स्थान का निर्माण करवा दिया गया, वहां ब्राह्मणी को रख दिया गया, 6 महीने का अन्न पानी भर दिया गया। ब्राह्मणी पतिव्रता है, वो किसी भी पर पुरुष से बात नहीं करती है, अपने काम में लगी रहती है। 6 महीने पूरे हो गए, राजा को तो याद भी नहीं रहा कि उसके लिए राशन पानी दोबारा भरवाएं, और ब्राह्मणी ने किसी से इस बात की चर्चा नहीं की। 6 महीने के बाद बिना अन्न बिना जल भूख प्यास से ब्राह्मणी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अंतापुर से बाहर निकली नहीं। राजा को तो पता भी नहीं है। 2 साल के बाद जब वहां पे वो ब्राह्मण आया, उसने राजा से कहा कि राजन मेरी तीर्थ यात्रा बड़ी सफल रही है, आप अब मुझे मेरी ब्राह्मणी वापस दे दीजिए। तब तो राजा को याद आया, अरे मैंने तो 6 महीने का अन्न भरवाया था, फिर क्या हुआ, मुझे तो किसी ने समाचार भी नहीं दिया है, और मैं भी कैसा हूं, मैंने अपने ऊपर ये दायित्व लिया और मैं ही भूल गया हूं। राजा तोंडमान जो हैं जल्दी से सेवकों को भेजते हैं और वहां से समाचार मिलता है कि ब्राह्मणी तो उस कुटी में तो उसका अस्थि पंजर ही पड़ा हुआ है, वहां और कुछ नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, नरकंकाल वहां विद्यमान है। राजा ब्राह्मण से कुछ कहे, ब्रह्म हत्या के शाप का भय है, उसी विवर मार्ग से सीधे मंदिर में पहुंचते हैं, जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक बार क्षमा कर दीजिए, आगे कभी ऐसी भूल नहीं होने दूंगी। भगवान अपने भक्तों पे हमेशा दयालु है। उन्होंने कहा यहां बगल में जो अस्थि सरोवर है ना, द्वादशी के दिन ब्राह्मणी की अस्थियों को ला करके इसमें स्नान करवाना, ब्राह्मणी पुनः जीवित हो जाएगी। ओहो, राजा को तो जैसे पंख निकल आए। राजा वापस आया है, ब्राह्मण से कहा है, ब्राह्मण देवता थोड़े दिन आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, द्वादशी को पारणा करने के बाद मैं आपकी पत्नी के साथ मुलाकात करवाऊंगा और उसके बाद आप यहां से प्रस्थान कीजिएगा। अब इतने दिन से ब्राह्मण अलग था ही, उसने भी राजा की बात का स्वीकार किया कि भाई राजा ने इतने दिन रखा है, 2 दिन के लिए कह रहे हैं तो मना कैसे कर सकते हैं। द्वादशी के दिन अपनी रानियों से कहा है कि सभी रानियां
उस अस्थि सरोवर में स्नान करने के लिए जाएंगी और एक पालकी के अंदर उस ब्राह्मणी की अस्थियों को भी लेकर के जाना है और उसको भी स्नान करवाना है। सभी रानियों ने राजा की आज्ञा का स्वीकार किया है और अपने बीच में ब्राह्मणी की अस्थियों को छुपा करके लेकर के गई हैं और वहां जब स्नान करवाया है तो ब्राह्मणी जैसे पहली थी बिल्कुल उसी प्रकार से उसके अंग प्रत्यंग जैसे थे उसी प्रकार से हो गए हैं। और वो ब्राह्मणी जब वापस आती है तो राजा उस ब्राह्मण को उसकी पत्नी सौंप करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें ब्रह्म हत्या के शाप से बचा लिया प्रभु। एक दिन फिर एक घटना बनती है, एक कुम्हार दंपति को वहां प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ निछावर करके और उन्होंने प्राण त्यागते देखा तो राजा को अपने सभी प्रकार के राज्य भोग विलास इन सबसे वैसे भी आसक्ति तो थी नहीं लेकिन परम विरक्ति हो गई है। उन्होंने पुत्र को राज्य दिया है और जैसे उनके पिता सुवीर ने उनको राजा बना करके वानप्रस्थ हो गए थे उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ वहां मंदिर की सेवा करनी है, बस वहीं उसी में लगे रहना है। कहते हैं भगवान ने उनको उनके अंतिम अवस्था में दर्शन दिए और अपने वैकुंठ धाम में जहां से फिर कभी वापस नहीं आना होता है वो चिर मोक्षदायिनी जो नगरी है वैकुंठ में बुला लिया है। ऐसे बहुत सारे परम भक्त हुए हैं, साउथ तो पूरा परम भक्तों से भरा हुआ है, वहां पूरी परंपरा ही भक्तों की। चलिए फिर किसी अन्य कथा के साथ आपको मिलेंगे। जीवन में राजा है, भिखारी है, कुछ भी है, भक्त तो हर कोई हो सकता है क्योंकि भक्ति पर सबका अधिकार होता है, इस पे किसी का एकाधिकार नहीं।